बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सेफ सिटी टीवी और मैं हूं मोहम्मद इमरान ताहिर। शामिल करेंगे हेडलाइंस। भावनगर पुलिस का एमएसटी पास भर्ती कांस्टेबल मेहनत और लगन की बिना पर इम्तिहान पास करके सब इंस्पेक्टर और फिर एसएचओ तैनात हो गया। एसएचओ अमजद की कामयाबी की कहानी बुलेटिन का हिस्सा। मियां बीवी में नोकझोंक, मामूली बात मगर शरीक हयात पर डंडों से बेरहमाना वार, एक संगीन जुर्म। चार बच्चियों की मां को दर्दनाक मौत देने वाले शोहर को सेफ सिटी 15 इमरजेंसी कॉल के जरिए कैसे गिरफ्तार किया गया, तफसीलात बुलेटिन का हिस्सा। आईजी पंजाब पंजाब हाईवे पेट्रोल को बेहतरीन पेट्रोलिंग फोर्स बनाने के लिए मुतहरिक, पीएचपी हेडक्वार्टर्स की रवा साल कारकर्दगी में वाजे बेहतरी। एमरजेंसी हेल्पलाइन 15 पर झूठी कॉल्स करने वालों की शामत आ गई, पुलिस ने झूठी कॉल करने वाले दो मुलजमान को धर लिया। सेफ सिटी एमरजेंसी 15 टीम की काविशों से तनबीह के बावजूद 15 पर गैर जरूरी कॉल्स करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने 40,000 डकैती और राहजानी जैसी संगीन वारदातों में मुलविस गादी और रमजानी गैंग सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। पंजाब भर से गुज़श्ता 24 घंटों में पुकार 15 सेंटर में 50,485 एमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई। 3,513 कॉल्स पर बरवक्त रिस्पॉन्ड किया गया, जबकि 37,426 कॉल्स गैर जरूरी करार दी गई। गुज़श्ता 24 घंटों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर 5,885 इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी किए गए। लाहौर और कसूर में 92 ट्रैफिक वायलेशन की निशानदही। वर्चुअल पेट्रोलिंग अफसरान ने कैमरों की मदद से 1,670 मशकूक सरगर्मियों की ऑब्जर्वेशन दी। विमेन सेफ्टी ऐप पर दरखास्त पर 16 खवातीन को पुलिस की मदद फ्राहम की गई। पंजाब हाईवे पेट्रोल ने रवा साल सुबह भर में 79,37,087 गाड़ियों को चेक किया। 3 से ज्यादा गुमशुदा गाड़ियों को असल मालिकान के हवाले और 519 गुमशुदा बच्चों को वालदैन से मिलवाया। पीएचपी फोर्स ने शहरात पर 1.5 करोड़ से ज्यादा शहरों की चेकिंग की। 50,000 से ज्यादा अफराद को मदद भी फ्राहम की। मुख्तलिफ कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 44,06,618 गाड़ियों के चालान किए गए। चालान से हासिल होने वाली 563 मिलियन रुपए, ओवरलोडिंग करने वाली 1.5 करोड़ से ज्यादा गाड़ियों के चालानों से 79 मिलियन रुपए और हेलमेट के बगैर ड्राइविंग पर चालान पर 232 मिलियन रुपए की रकम कौमी खजाने में जमा करवाई गई। सेफ सिटी 15 सेंटर से इमरजेंसी कॉल पर फौरी एक्शन। ग्रीन टाउन के इलाके में घरेलू झगड़े के दौरान डंडों के वार से बीवी को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मियां बीवी में नोक झोंक, मामूली बात मगर शरीके हयात पर डंडों से बेरहमाना वार, एक संगीन जुर्म। ये कहानी है चार बच्चियों की मां 40 साल राबिया के दर्दनाक कत्ल की। सेफ सिटी 15 सेंटर में ग्रीन टाउन के इलाके से बीबी को कत्ल करने की कॉल मौसूल हुई। अस्सलाम वालेकुम 15 जी, ये जो ग्रीन टाउन नहीं है जी, क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पे झगड़ा हो रहा है, यहाँ पे ना फोर्थ भी हुई है, तो एक भाई ने ना अपनी वाइफ को मार मार के ना मार दी है, कत्ल कर दिया जी। पुलिस बरवक्त मौका पर पहुंची और मुलजिम मकबूल को किया गिरफ्तार। लेकिन ऐसी क्या नौबत आई कि शोहर ने उठाया ये इंतहाई कदम। मुदईया इस मुकदमे की, उन्होंने बतलाया जी कि ये हमारी वालदा थी जिनको हमारे सौतेले जो वालद हैं उन्होंने मर्डर कर दिया तशद्दुद करके। जो मकतूला थी ये अपनी पहली जो बेटियां हैं पहले खामद में से, उनको अपना कोई वरासती मकान था उसमें से हिस्सा देने का अक्सर कहती थी इस शख्स को, इस वजह से इसको अक्सर तशद्दुद का निशाना बनाता था। आइए माहरीन से जानते हैं मुआशरे में इस अदम बर्दाश्त की वजूहात। आजकल जैसे हमारा आसपास का माहौल है, हमारे माशी हालात चल रहे हैं या प्रेशर जॉब में भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से अगर आपके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। हमारे पास पुलिस मौजूद है कि अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस के इशू हो रहा है तो हम उनसे भी जाके कंसल्ट कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आप मर्डर तक जाएं। शहरी अपने गिर्दो नवा के हालात से आगाह रहें और किसी भी इमरजेंसी की सूरत में 15 पर इत्तला दें ताकि कीमती जाने बचाई जा सके। उधर पुलिस को बिला जरूरत झूठी कॉल्स करके इमरजेंसी बताने पर दो मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। दोनों मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
एमरजेंसी पर डकैती की 15 झूठी इतला देने वाले को पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गिरफ्तार कर लिया। सेफ सिटी 15 पर गैर जरूरी कॉल्स करने वालों को तनबी के लिए कॉल बैक कर रही है। तनबी के बावजूद 15 पर गैर जरूरी कॉल्स करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। 15 के नाजायज इस्तेमाल से संगीन सूरत हाल में फंसे शहरियों की इमदाद में ताखीर होती है। 15 एमरजेंसी हेल्पलाइन मुसीबत में मुबतला शहरियों की फौरी मदद के लिए हुकूमत की एक फ्री सर्विस है। शहरी 15 एमरजेंसी हेल्पलाइन पर गैर जरूरी कॉल से इज्तनाब करें। महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मोक रडार के मुताबिक आज लाहौर उसके मुजाफात में एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या रहा, जानने के लिए ये खसूसी रिपोर्ट देखिए। महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मोक रडार के मुताबिक इस वक्त मजमूई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 239 है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो माल रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 280, पंजाब यूनिवर्सिटी में 227 और सेफ सिटी अथॉरिटी में 276 रिकॉर्ड किया गया। फिजाई आलूदगी खतरनाक अमराज का बायस बन रही है, आप खुद को कैसे महफूज रख सकते हैं, इस हवाले से माहिरीन सेहत की एडवाइस आप तक पहुंचा रहे हैं। जब भी बाहर निकलें मास्क और चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। रोजमर्रा रूटीन में वाफिर मकदार में पानी पिएं। घर में सफाई के लिए पानी और गीला कपड़ा जरूर इस्तेमाल करें। वमर अफराद बिलखसूस अमराज चश्म और दमा में मुबतला मरीजों को इंतहाई एहतियात की जरूरत है। और कूड़े को हरगिज़ आग न लगाएं, ये स्मोग में इजाफे की सबसे बड़ी वजह है। आइए अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें और स्मोग फैलाने वालों की इतला 15 पर दें। साफ माहौल, महफूज लाहौर। कांस्टेबल से SHO का सफर तय करने वाला अमजद महकमे में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के मेरिट पर तरक्कियों का मंजर है। सब इंस्पेक्टर अमजद ने कांस्टेबल से लेकर SHO का सफर कैसे तय किया, आइए जानते हैं। ऐसे लोग जो कि कांस्टेबल भर्ती हुए, मेरिट पर ASI आए, नेक जिंदगी गुजारी और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ड्यू प्रमोशन थी। कितने साल ASI फंसे रहे? 14 साल सर। 14 साल तो बनती है ना प्रमोशन। रावलपिंडी पुलिस ने मुगवी टिकटॉकर मोहम्मद इस्माइल को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। बाजियाबी के बाद मुगवी की टिकटॉक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पंजाब पुलिस ने, रावलपिंडी पुलिस ने जिस तरीके से मेरे घर वालों के साथ कोऑपरेट किया, उनको एतमाद में लिया कि हम इस मिशन को कामयाब करेंगे। रेड और जो ऑपरेशन किया और जिस तरीके से उन्होंने मुझे वहां से निकाला, इस मौके के ऊपर मैं RPO रावलपिंडी, CPO रावलपिंडी, SP सदर नबील खोकर और उनकी जो नीचे जितनी भी टीम है उसमें पंजाब पुलिस का शुक्र गुजार हूँ। थाना सदर मुजफ्फरगढ़ पुलिस की डकैत गैंग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, गादी और रमजानी गैंग के 10 सरकान गिरफ्तार कर लिए गए। डाकुओं के कब्जे से 40 लाख से ज्यादा मालियत का माली मसरूका बरामद किया गया है। डकैत गैंग से 12 लाख कैश, 5 मोटरसाइकिलें, 8 बैटरियां और लाखों मालियत के मोबाइल फोन और असलहा बरामद किया गया। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। पंजाब पुलिस और पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी से मुतालिक अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए सेफ सिटी TV।